दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरे बारे में जानना चाहोगे तो मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक हॉलीवुड थ्रिलर मूवी डाउन के बारे में, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है जेनिफर, जो कि ऑफिस में देर रात तक काम कर रही होती है। वो अपना सारा काम जल्दी से खत्म करके फ्लाइट से न्यूयॉर्क जाने वाली थी, क्योंकि कल वैलेंटाइन डे होता है, इसलिए वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सरप्राइज करना चाहती थी। अब वो ऑफिस से निकल रही होती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं इसी कहानी का एक और मेन कैरेक्टर, जिसका नाम होता है गाय। वो भी ऑफिस से अपना काम खत्म करके निकल रहा था। अब ये दोनों अलग अलग फ्लोर से सेम लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। इसके बाद गाय जेनिफर से कुछ बात करने की कोशिश करता है, बट जेनिफर को देख के लगता है कि उसे गाय की कोई भी बातों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद गाय जेनिफर को लिफ्ट में बनी हुई एक ड्रॉइंग दिखाता है। जब जेनिफर उस ड्रॉइंग को देख रही थी, तभी अचानक से लिफ्ट रुक जाती है। लिफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी होने के बाद भी लिफ्ट का कोई भी इमरजेंसी बटन काम नहीं करता और उसे वहां से कोई रिस्पांस भी नहीं आता। तब वो दोनों लिफ्ट में आगे लगे हुए कैमरा को देख के हेल्प मांगने लगते हैं। वहां पर भी कोई नहीं होता इनकी बात सुनने के लिए। इसके बाद लिफ्ट में नेटवर्क ना होने की वजह से हेल्प के लिए वो लोग कॉल भी नहीं कर पाते। अब जेनिफर बहुत ज्यादा परेशान होने लगी थी, क्योंकि आज रात को ही उसकी फ्लाइट होती है और यहाँ पे वो दोनों बात करने लगते हैं कि वो यहाँ से कैसे निकले, क्योंकि वैलेंटाइन वीक होने की वजह से अगले 5 दिन तक ऑफिस में छुट्टी है। तभी गाय को यहाँ से बाहर निकलने का एक आइडिया आता है कि वो यहाँ से लिफ्ट में ऊपर लगे हुए पैनल को खोल के बाहर निकल सकते हैं। गाय यहाँ पर ट्राई करता है कि वो ऊपर के पैनल को खोल पाए, बट ऊपर तक पहुँच नहीं पा रहा होता है। इसके बाद वो जेनिफर को अपने कंधे पे बिठा लेता है और जेनिफर ऊपर पैनल खोलने की ट्राई करती है, बट यहाँ पर उसे कोई एग्जिट पैनल नहीं मिलता। फिर वो दोनों हार के नीचे बैठ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और एक दूसरे को इंट्रोड्यूस भी करते हैं। तभी गाय जेनिफर को बताता है कि वो इसी बिल्डिंग में एज अ अकाउंटेंट काम करता है, बट उसके बावजूद भी जेनिफर को वो आज पहली बार देख रहा है। एक घंटा बीत जाने की वजह से जेनिफर को एहसास हो जाता है कि उसकी फ्लाइट मिस हो गई थी और जेनिफर एकदम से निराश हो जाती है। फिर गाय जेनिफर का मूड ठीक करने के लिए कुछ जोक्स भी सुनाता है। इसके बाद जेनिफर को प्यास लग जाती है। तभी गाय उसे अपनी पानी का बॉटल देता है और कहता है तुम इसे पी लो, जिसे जेनिफर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। उसके बाद गाय अपने बैग से एक वाइन का बॉटल निकालता है और कहता है कि तुम चाहो तो इस वाइन को भी पी सकते हो, जिस पर जेनिफर पानी का बॉटल मांगती है और पी लेती है। अब ऐसे ही 4 घंटे बीत जाते हैं और इधर जेनिफर को बहुत तेज की पी आती है, बट वो गाय के सामने पी नहीं कर सकती। तभी गाय जेनिफर को समझाता है और कहता है ये सब कुछ नेचुरल है, उसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर गाय पीछे घूम जाता है और अपना आँख कान बंद कर लेते हैं, तो जेनिफर एक थर्मस में पी कर लेती है। इसके बाद जेनिफर को गाय के ऊपर थोड़ा सा भरोसा होने लगता है। फिर वो दोनों टाइम पास करने के लिए एक गेम खेलते हैं और एक दूसरे से पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ पर जेनिफर गाय को बताता है कि वो आज रात फ्लाइट से न्यूयॉर्क जाने वाली थी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, लेकिन अब तो फ्लाइट मिस हो जाने की वजह से सब कुछ खराब हो गया है। अब गाय एक वाइन का बॉटल निकालता है और दोनों पीने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों टाइम पास करने के लिए एक दूसरे की ड्रॉइंग भी बनाने लगते हैं, जहाँ पर गाय जेनिफर की एक अच्छी सी ड्रॉइंग बनाता है और जेनिफर गाय की एक फनी सी ड्रॉइंग बनाती है। फिर इस बात का जेनिफर को बुरा भी लगता है और वो गाय से माफी मांगता है। ऐसे ही काफी टाइम बीत जाने से दोनों को बहुत ही ज्यादा भूख भी लग जाती है। फिर ये दोनों एक दूसरे के बारे में प्राइवेट बात करने लगते हैं। फिर जेनिफर गाय को कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक बार लाइब्रेरी में इंटीमेट हुई थी। इसके बाद गाय भी शर्माते हुए कहता है कि वो भी एक बार अपने कोवर्कर के साथ कार में इंटीमेट हुआ था। फिर ये दोनों एक दूसरे से ये सब बातें करने लगते हैं। उसके बाद गाय जेनिफर के एकदम नजदीक आ जाता है और वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद गाय जेनिफर को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ और तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ एंड तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तब जेनिफर कहती है कि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास वापस जाना चाहती हूँ। फिर जेनिफर कहती है कि लिफ्ट में हमारे बीच जो भी हुआ वो सब ऐसे ही फन था और वो अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ही प्यार करती है। ये सब सुनकर गाय थोड़ा अजीब बिहेव करने लगता है और कहता है जिससे तुम प्यार करती हो वो तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है। ये सुनकर जेनिफर एकदम भड़क जाती है और वो कहती है कि वो बस अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ही प्यार करती है और उसके साथ ही रहना चाहती है। अब गाय ये सब सुनने के बाद थोड़ा अजीब से बिहेव करने लगता है और अपना फोन निकाल के जेनिफर की कुछ फोटोज एंड वीडियोस दिखाता है और कहता है मैंने तुम्हें हमेशा से ही प्यार किया है और तुम्हें फॉलो भी किया करता था, तुम कब ऑफिस आती हो, कब ऑफिस से घर जाती हो, ये सब कुछ मुझे अच्छे से पता है। और कहता है कि मैंने अभी तक जो भी बताया है अपने बारे में वो सब कुछ
झूठ बोला है। तब गाय बताता है कि असल में यहाँ पर वो इसी बिल्डिंग में एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम करता है। अब सिक्योरिटी गार्ड होने के वजह से जेनिफर ने उसे कभी भी नोटिस नहीं किया, इसीलिए वो एक मौका ढूंढ रहा था ताकि वो जेनिफर से अच्छे से बात कर पाए और उसे अपनी दिल की बात बता पाए। और कहता है कि आज तुम लिफ्ट में बंद हो तो सिर्फ मेरे वजह से हो। फिर वो अपने पॉकेट से एक की निकालता है और लिफ्ट को स्टार्ट करता है। ये सब देख कर जेनिफर को बहुत गुस्सा आता है और वो गाय पे चिल्लाने लगती है। अब गाय को धमकी देने लगती है और कहती है, यहाँ पर जो तुमने मेरे साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। अब ये बात सुनते ही गाय फिर से लिफ्ट को बंद कर देता है। फिर जेनिफर जल्दी से लिफ्ट को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, बट गाय उसे रोक लेता है और ये दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। लड़ते लड़ते जेनिफर की पैर की में लग जाती है और वो की वहाँ पर टूट जाती है, लिफ्ट रुक जाती है और सच में ये दोनों अब लिफ्ट में फंस गए थे। यहाँ इन दोनों के बीच में काफी फाइट होती है और ये दोनों इंजर्ड भी हो जाते हैं, साथ ही साथ बेहोश भी हो जाते हैं। अब उन दोनों को जब होश आता है तब गाय जेनिफर के ऊपर बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। तब गाय नोटिस करता है कि लिफ्ट में ऊपर लगी हुई सीलिंग लाइट को चेंज करने के लिए कोई तो रास्ता जरूर होगा। फिर वो ऊपर के पैनल को हटाने की कोशिश करता है और उसे वहां पर एक रास्ता मिल जाता है। फिर वो जेनिफर को कहता है कि वो उसे कंधे पर उठाए ताकि वो यहां से बाहर जाके जेनिफर के लिए लिफ्ट का डोर ओपन कर पाए। लेकिन जेनिफर को गाय पे जरा भी ट्रस्ट नहीं था, इसीलिए वो गाय को कहता है, पहले मुझे ऊपर जाने दो क्योंकि मैं तुम्हें उठा नहीं पाऊंगी। इसके बाद गाय जेनिफर की बात मान लेता है और वो उसे ऊपर उठा के बाहर निकलने में मदद करता है। जब जेनिफर बाहर निकल जाती है तब वो गाय को बाहर निकालने के बजाय मिडिल फिंगर दिखा के वहां से ऊपर जाने लगती है। इससे गाय गुस्से में पागल होने लगता है और वो भी वहां से बाहर निकलने के लिए उसके कपड़ों को एक साथ बांध के जैसे तैसे करके ऊपर चढ़ने लगता है एंड जेनिफर का पीछा करने लगता है। इधर जेनिफर ऑलरेडी आधा रास्ता पार कर चुकी होती है और जैसे ही वो दूसरे एलिवेटर के डोर खोलने वाली होती है तभी गाय वहां पर पहुंच जाता है और खींच के खुद के साथ जेनिफर को नीचे गिरा देता है और वो दोनों वापस से उसी लिफ्ट में जाके गिरते हैं और चोट लगने की वजह से दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब जेनिफर को होश आता है तब वो फायर अलार्म को देखती है और उसके पास में पड़े हुए कागज को जलाने लगती है ताकि फायर अलार्म एक्टिव होने से कोई भी बचाने के लिए आ जाए वहां पर। लेकिन तभी गाय को भी होश आ जाता है पर जेनिफर उसे पंच मार के नीचे गिरा देती है और वहां पड़े कपड़ों की मदद से गाय के हाथ भी बांध देती है। उसके बाद जेनिफर अपने साथ जो भी हुआ उसे फोन में रिकॉर्ड करने लगती है और साथ में गाय की ओर कैमरा करके उसे भी सब कुछ कन्फेस करने के लिए बोलती है और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो जेनिफर उसे बहुत टॉर्चर करेगी, ऐसे धमकी देती है। इसके बाद गाय कैमरा के सामने सब कुछ बताने लगता है और अपना रियल नाम जॉन बताता है। वो कहता है कि कुछ साल पहले शराब पी के कार चलाने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया था और इसी एक्सीडेंट में उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो जाती है जिसके कारण उसे जेल जाना पड़ता है। अब जेल से निकलने के बाद उसे सिक्योरिटी जॉब के अलावा कोई और जॉब नहीं मिलता। तभी हम दूसरी ओर एडी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि इसी बिल्डिंग में एक सिक्योरिटी गार्ड था जो यहाँ पर अपने गर्लफ्रेंड को घुमाने ले आया था। जब वो सीसीटीवी कैमरा देखता है तब उसे पता चलता है कि दो लोग लिफ्ट में फंसे पड़े हैं। ये देख के वो तुरंत हेल्प करने के लिए जाता है बट तब तक यहाँ जॉन अपने हाथ जैसे तैसे खोल लेता है और फिर एडी वहाँ आके लिफ्ट के दरवाजे को किसी तरह से खोलता है और लिफ्ट की अंदर देख के बोलता है, इसी लिफ्ट के दरवाजे खोल के तुम लोग बाहर आ जाओ। तभी जॉन उसे मदद के बहाने लिफ्ट के अंदर आने को बोलता है। फिर एडी जैसे ही लिफ्ट में आने की कोशिश करता है तो जॉन लिफ्ट को चालू कर देता है जिससे कि एडी की मौत हो जाती है। इसके बाद जॉन जेनिफर को बेहोश करके कार की डिक्की में डाल देता है और सीसीटीवी रूम में जाके सारी फुटेज डिलीट कर देता है। तभी वहां पर एडी की गर्लफ्रेंड आती है और वो एडी के बारे में जॉन से पूछने लगती है तो वो उसके गर्लफ्रेंड को भी मार देता है। इसके बाद जॉन अपनी कार लेके वहां से निकल जाता है और एक सुनसान जगह जाके रुकता है ताकि वो जेनिफर को भी मार पाए। फिर वो कार से पेट्रोल की टैंक निकाल के एक डस्टबिन के ऊपर छिड़कने लगता है क्योंकि जेनिफर को वो वहां पर जलाने वाला था। और इसके बाद जब वो जेनिफर को लेने जाता है तब जेनिफर जल्दी से जॉन के सर पर मार के वहां से गाड़ी लेके भागने लगती है। लेकिन थोड़ी दूर जाके वो कार को रिवर्स लेती है और जॉन को जोर से टक्कर मारती है जिससे जॉन उसी डस्टबिन में गिर जाता है। फिर जेनिफर यहां एक सिगर जला के स्मोक करती है और उसी जले हुए सिगर को वो डस्टबिन के अंदर फेंक देती है जिससे वहां पर आग लग जाता है एंड आग लगने की वजह से जॉन वहां पर मर जाता है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। तो गाइस आप लोग बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ आपको ऐसी कोई दूसरी मूवी देखना है तो उसके सजेशन भी जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और आप हमारे चैनल में न्यू हो तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे करना जिससे कि आपको आने वाले हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आज के लिए यहीं तक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।
वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।